तो हम पिनाइल इम्प्लांट्स तो कई 100 करते हैं साल में, पर मुझे ना इम्प्लांट्स के बाद मरीज़ों को उनका इंटरव्यू लेने में काफ़ी अजीब लगता है। एक पेशेंट है बेचारा, उसकी सर्जरी हुई है, उसके उसका इंटरव्यू भी लो तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। पर हमने अब हमारा जो असिस्टेंट है राहुल, वैसे भी जितने भी पेशेंट हैं जो हमारे पास पिनाइल इम्प्लांट करवाते हैं वो राहुल से संपर्क में रहते हैं, क्योंकि तो राहुल ही उनको तैयार करता है, राहुल ही, और राहुल बेस्ट बंदा है, तो राहुल को मैंने ड्यूटी पर लगाया है। अब वो सब मरीज़ों से आपकी बात कराया करेगा। यह है आज का पहला इंटरव्यू जो राहुल ने मेरे इम्प्लांट मरीजों का लिया है, और ऐसे ही रेगुलरली अब आपको राहुल या शाकिर या जो हमारे क्लिनिक पे जो स्टाफ है जो काफ़ी अच्छी तरह से सबका ख्याल रखते हैं, वो अब आपसे मरीज़ों की बात कराएंगे। तो आज का इंटरव्यू सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, मैं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता का असिस्टेंट हूँ। आज हमारे सामने दो सर बैठे हैं जिनका पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी हुआ है। आज थोड़ा सा हम इनसे फीडबैक लेंगे कि सर्जरी के बाद वो आज कैसा फील कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराई है, तो इसमें आपका छोटा सा मेरे को फीडबैक चाहिए कि सर्जरी के टाइम पे कोई पेन या फिर कोई दर्द वगैरह, या सर्जरी कितनी देर की थी, इसके बारे में जानना चाहूँगा। सर्जरी 30 मिनट की थी। सर, थोड़ा जोर की बोलेंगे आप। सर्जरी 30 मिनट की, और इसमें कोई पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ। हमें तो मालूम ही नहीं लगा आपके कब हो गई। जी, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन था ये आपको कब से था? ये काफ़ी सालों से था। हम वैसे मेडिसिन वगैरह ये आयुर्वेद वगैरह ले लेके परेशान हो चुके थे। उसके बाद में फिर हमने सोचा कि ये ही लास्ट रास्ता है, इसलिए हमने फिर ये कराया, तो अब अच्छा फील हो रहा है। अच्छा सर, आपको सर्जरी में, जैसे सर्जरी हुई आपको, सर्जरी के बाद में जैसे कोई यूरिन पास या फिर वॉक करने में या फिर कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई? नहीं, इतना तो कुछ वो नहीं हुआ। जैसे सर्जरी होया है थोड़ा बहुत तो लगेगा आपके, एकदम तो ये नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं लगा हमें कि वो कुछ नया है या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं लगा। हाँ सर, आप सर्जरी के बाद अब कितने दिन तक आप हॉस्पिटल में थे, और आपको डिस्चार्ज आपको कब मिला था? हम तीसरे दिन हमें छुट्टी मिल गया था सुबह दोपहर को। 18 को हमारा सर्जरी था और 20 तारीख को हमें छुट्टी मिल गया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इंडियन इम्प्लांट ही क्यों चुना? सर, मैं क्योंकि मैं इंडियन हूँ ऑलरेडी, मैं इंडियन, इसलिए मैंने अपना सर्जरी के चुना था मैंने। तो सर, आपको इम्प्लांट को लेके कोई दिक्कत या साइज़ का इशू कुछ? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, साइज़ ठीक है। सर, आपको जैसे इंडियन इम्प्लांट से पहले जो आपको इरेक्शन वगैरह आता था, जो आपकी लेंथ थी, क्या आपको वही है या फिर आपको उसे थोड़ा बहुत आपको बेटर लग रहा है? नहीं, उसे बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं नॉर्मली ये जानना चाहूँगा कि मतलब साइज़ आपका जो बड़ा है वो कितना बढ़ गया आफ्टर सर्जरी के बाद? सर, साइज़ तो नॉर्मल, मैंने साइज़ नापा तो है नहीं, फिलहाल फिर पहले से बेटर है, बहुत बढ़िया, अच्छा। तो मोस्टली आपको जैसे 15 दिन हो गए हैं सर्जरी के लिए, तो इस बीच आपको कोई दिक्कत हुई हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो? ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है काफ़ी टाइम से, उन्होंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, पी शॉट, शॉकवेव काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं। उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप ऑप्शन लो कि आपको इंडियन इम्प्लांट बेस्ट है, आप इम्प्लांट कराओ, बट वो लोग घबरा रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम जी उनके लिए ये कहना है, कोई घबराने वाली बात नहीं, वे लोग अगर हमारे सामने आ जाएं तो हमको सब कुछ दिखा देंगे। और हमें, हम भी ऐसे ही था, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। और उन लोगों के हम भी यही बताना चाहेंगे, अगर कोई भाई हमसे अगर पूछना चाहेगा तो हम उसको अच्छे सजेशन देंगे, बढ़िया उसको बता देंगे, वो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर।